अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक की पानी में तैरती हुई लाश मिली। परिजनों ने युवक के शव को लेने से मना करते हुए युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। युवक के पिता ने कहा कि उसके बेटे के मुंह से खून निकला था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ा था, जबकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। पिता ने कहा कि उसके बेटे को जहर देकर मारा गया है, जब तक मामले की जांच नहीं होगी वो शव नहीं लेंगे। ये पूरा मामला मेहर का है, जहां पटेहरा निवासी 19 वर्षीय युवक कपिल दहिया अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने गया था। जब वो घर पर वापस नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने उसके दोस्तों से पूछताछ की। उसके दोस्तों ने भी कोई सटीक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद कपिल के परिजन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब सख्ती से कपिल के दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम पिकनिक मनाने गए थे। पुलिस ने पिकनिक स्पॉट में काफी खोजबीन की लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन जब एनडीआरएफ टीम पानी में गई तो उन्हें तैरती हुई युवक की लाश मिली। कपिल के पिता ने कहा कि कपिल के दोस्तों ने हमें गुमराह किया था, वो पूरी रात हमें इधर उधर की बातों में उलझाते रहे। जब हमने पुलिस में शिकायत की तब उन्होंने कुछ जानकारियां दी, पुलिस ने भी खोजबीन की तो कुछ मिला नहीं। फिर पानी में एसडीआरएफ की टीम को उतारा गया, जिसके बाद कपिल की बॉडी मिली। इन आरोपियों की तरफ से हमें धमकी दी जा रही है, जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। मामला ये था, 21 तारीख को सुबह 9:30 बजे मेरा बालक घर से निकला, काली शर्ट थी उसमें सफेद लाइनिंग थी, लोवर पहने हुए था, लाल काली कलर की चप्पल पहने हुए थे। घर से अपनी माँ को बोल के गया कि ऐसा करते मम्मी की तो खाना बना रखना, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने, रोहन का बर्थडे था। फिर वो श्रीमान जी वहाँ से कहाँ गया कहाँ नहीं गया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन घर में अपनी माँ को बोल के गया कि मैं जा रहा हूँ बर्थडे में, पूरा दिन पता नहीं चला उसका। शाम को 6 बजे भोलू यादव आता है, जिसको कि अभी तक ये लोग अंदर नहीं किए, जब वहाँ सोना बगीचा में इसका डेरी का काम चलता है, तो उसको अभी तक नहीं पकड़े हैं। फिर तो 7 बजे फिर 2 लड़के आते हैं, बोले कि तुम्हारा छोटू है घर में, हम लोग कहे कि भाई नहीं है घर में। फिर श्रीमान जी 9 बजे रात से लेके 2:30 बजे रात तक मेरे को, मेरे पिताजी को, जो लोग ये लड़के अंदर हैं, ये लोग कह रहे थे कि तुम्हारा छोटू कहीं बता रहे थे करिया पानी में, कहीं बता रहे थे सराय में, कहीं बता रहे थे देवी जी में। 2:30 बजे रात तक मेरे को, मेरे पिताजी को पूरे मैयर में 2:30 बजे रात तक घुमाए, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। अब मैं पूछता था कि इस बार तुम लोग भी गए थे वहाँ पढ़ने को, तो बताया कि हाँ हम लोग पढ़ने को गए थे, लेकिन तुम्हारा छोटू कपिल नहीं मिला वहाँ। तो पूरे हमको 2 दिन गुमराह, पूरी रात गुमराह किए, कल 10 बजे तक इसी तरह करते रहे वही लड़के। फिर मैं श्रीमान जी यहाँ आके कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया, तब जाके पुलिस वाले गए, तुम लोगों को उठाए, कल पुलिस वालों ने सहयोग किए तो वहाँ डेड बॉडी नहीं मिली। आज जब वहाँ एनडीआरएफ की टीम आई तो डेड बॉडी उतराते हुए मिली। और श्रीमान जी सबसे बड़ी बात है कि अभी 2-3 आदमी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, और मेरे को अभी तक यहाँ वहाँ से मौखिक रूप में बताया जा रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। श्रीमान जी अगर जो मेरे या मेरे परिवार को कुछ होता तो मैयर की शासन प्रशासन जिम्मेदार होती, लेकिन वो दोनों तीनों जो अभी फरार हैं उनको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। अगर जो नहीं होता तो मैं लड़के का चाहे दाह संस्कार ना करूंगा, अपना पहले कर लूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, Sathi Global Festival, Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।